खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से आ रही है, जहां तोंगपाल से लेकर सुकमा तक पूरे आदिवासी समाज ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया। इसके साथ ही सुबह से ही बसों के पहिए थम गए, सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही चालू रखी गईं। आपको बता दें कि तोंगपाल के मुख्य चौक पर सैकड़ों हजारों लोग जमा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आपातकालीन स्थिति को देखते हुए एम्बुलेंस को बिना किसी बाधा के आने जाने दिया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं। इस विरोध प्रदर्शन के कारण शहर की सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहीं, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत बंद के आह्वान के विषय में दो शब्द बताइए। जी, आज पूरे भारत देश को, पूरे विश्व को आज पता है कि 1 अगस्त को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST आरक्षण के भीतर कोटा के विषय में जो सुनवाई किया है, इस विषय को लेकर हम सभी भारत के आदिवासी और SC भाई बहन हम बहुत ही आशंकित हैं और बहुत ही डरे हुए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी ये आरक्षण को ये खत्म करने की ये दूरदृष्टि साजिश हमें लगता है। क्योंकि अगर हमारे SC ST वर्ग की तरह अगर केंद्र सरकार को चिंता होती तो सबसे पहले वो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी लेवल पर हमें सर्वे करती, जनगणना कराती कि कौन सी वर्ग पिछड़ा है और कौन सी वर्ग को कितना आरक्षण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह बिना किसी डाटा के, बिना किसी तथ्य के या किसी जो आंकड़ा है, इन आंकड़ों को जाने बिना जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की जो पहल है कोटा के अंदर कोटा क्रिमिनल लेयर लागू करने का, ये निश्चित ही हमारे आदिवासी और SC भाइयों के लिए हमारे घाटा और भविष्य में आरक्षण से ये छीनने की हमको साजिश है। क्योंकि अगर